हर दिल में विश्वास जगाने के लिए एक नया संदेश वो देने आई है, अपने सब अधिकार वो लेने आई है। अमृता है अमृता आज की नारी अमृता। कामिनी दिनेश को एनजीओ ले जाकर अमृता को कहती है कि हमारी काउंसलिंग करो। वो अमृता पे छुपा आरोप लगाती है कि उसने दिनेश को फांस लिया है। अमृता दिनेश से कहती है कि अब उन्हें मिलना बंद करना चाहिए। दिनेश कहता है कि जरूर विशाल ने ही कामिनी को फोन किया होगा, मगर अमृता मानती नहीं। विशाल अमृता का केस लड़ना शुरू करता है। वो कोर्ट में उसके ससुराल वालों के छक्के छुड़ा देता है। जज साहब ने फैसला सुनाया है ना, उसकी बहुत चिंता हो रही है। ये अमृता और उसके बच्चों को महाना खर्चा जो हमें देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यूरोप की ट्रिप करके आता हूं, उसके बाद वकील का कुछ करते हैं। पापा वकील को चेंज कर देते हैं, और आप यूरोप होके आइए। यहां की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। यहां पे मैं जब तक ऐसा चक्कर चलाता हूं कि केस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। I'll take care. I'm proud of you, son. यूं ही बुला लिया आप सब दोस्तों को। एक्चुअली विशाल की आज पहली सुनवाई थी अमृता के केस के लिए। सुना है छक्के छुड़वा दिए उसके ससुराल वालों के कोर्ट में। तो जज भी कुछ फेवर में बोल गए, which is very good. मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। बेटा हम तुम्हारी मम्मा को ले जाएं जरा 2 मिनट के लिए। कम ये अमृता हैं, इनका केस शुरू किया आज मैंने। ये मिस्टर रस्तोगी, ये उनकी गर्लफ्रेंड है, फ्रेंच गर्लफ्रेंड है, फ्रांस से आई है, पहले रशिया में रहती थी। ये मिस्टर सानिया, ये उनकी बीवी है, जबकि लगती ये गर्लफ्रेंड है ये बीवी लगती है, मगर ऐसा ही होता है। तो अमृता ने दरअसल आके न जाने क्या जादू चलवाया है कि हमने अपना डिवोर्स ही पोस्टपोन कर दिया। मगर डिवोर्स करेंगे, पोस्टपोन, इट स्टैंड्स पोस्टपोन। विशाल जी, जब तक मैं आप दोनों के साथ हूँ आप डिवोर्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे होते हुए ही होगा डिवोर्स। आइए मैं आपको कुछ और लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर पाटिल हैं, ये भी लॉ प्रैक्टिस करते हैं। नमस्ते। और ये इनकी खूबसूरत वाइफ कुसुम। हाय। दैट इज दीपक एंड दैट इज शालमली, दिस इज अमृता। अमृता को मिलवाने में। तो ये है अमृता जिसके लिए पार्टी दी गई आज। ओहो दिनेश साहब आए हैं, आइए दिनेश साहब। Hi, Hi, Kamini. Hi, Dinesh. Amrita. Hi, Amrita. और दिनेश को तो तुम जानती हो। Please have a good time. For drinks दीजिए please इनको. Excuse us. दिनेश, अमृता विशाल को कैसे जानती है? विशाल तो तुम्हारा लॉयर हुआ करता था ना? वो अमृता का पिछला लॉयर देशमुख अमृता को पसंद नहीं था, या शायद उसने केस छोड़ दिया तो उसने विशाल को ढूंढ लिया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने अमृता को विशाल से नहीं मिलवाया? नहीं कामिनी। तुम कितना झूठ बोलने लगे हो दिनेश। तुम्हें तो आजकल हर बात मेरी झूठी लगती है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये एक इत्तेफाक है कि अमृता हमारे फ्रेंड सर्कल में घुस गई है? तुम वाकई मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? एनीवेज तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ना सही, मैं खुद अमृता से पूछ लूंगी। कामनी,
हाय अमृता, मानना पड़ेगा आखिरकार तुम हाई सोसाइटी में आ ही गए। विशाल और रितांबरा की पार्टीज में तो हम बरसों से आ रहे, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ये अचानक विशाल तुम्हारा लॉयर कैसे बन गया और रितांबरा तुम्हारे इतने क्लोज कैसे आ गई? कामिनी, ये सब संजोग की बात है। भगवान जब आपकी मदद करना चाहता है ना, तो वो किसी ना किसी रूप में आपकी मदद कर ही देता है। तो तुम कहना चाहती हो कि दिनेश ने तुम्हें इन दोनों से नहीं मिलवाया, तुम खुद ब खुद मिली? दिनेश और मेरा रिश्ता कभी परफेक्ट था ही नहीं, क्योंकि हमारा कभी बच्चा नहीं हो सका। और जब से तुम हमारे घर में आई हो, वो रिश्ता और बदतर होता चला गया। अमृता है अमृता, आज की नारी अमृता। तो तुम कहना चाहती हो कि दिनेश ने तुम्हें इन दोनों से नहीं मिलवाया, तुम खुद ब खुद मिली? कामिनी, तुम्हें तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दिनेश का और मेरा कोई रिश्ता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैंने काफी बार पहले भी ये नोटिस किया है कि तुम ऐसा ही कुछ सोचती हो। लास्ट टाइम जब तुम एनजीओ में आई थी, तब भी तुम गोलमोल बातें करके दिनेश जी और अपने रिश्ते के बारे में ही मुझसे पूछे जा रही थी। मेरा यकीन करो कामिनी, मेरा दिनेश जी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दिनेश और मेरा रिश्ता कभी परफेक्ट था ही नहीं, क्योंकि हमारा कभी बच्चा नहीं हो सका। और जब से तुम हमारे घर में आई हो, वो रिश्ता और बदतर होता चला गया। सही कहते कि दलदल में फंसे हुए इंसान की मदद कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान तुम्हें भी दलदल में घसीट लेता है। कामिनी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ऐसा। एक्सक्यूज मी कामिनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं क्या तुम्हारी फ्रेंड को 2 मिनट के लिए तुमसे छीन सकती हूँ? हाँ श्योर, तुम इसे अगर हमेशा के लिए भी छीन लोगी तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। थैंक यू, चले। थैंक यू रितंबरा, तुमने लास्ट मोमेंट पर मुझे कामिनी से बचा लिया। काफी गर्मा गर्मी हो रही थी तुम्हारे और कामिनी के बीच में, कहीं तुम्हारा और दिनेश का कोई रिश्ता तो नहीं था? आखिर पहली बार भी तो हमारे घर तुम दिनेश के साथ ही आई थी ना? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भगवान जानता है, मैंने सिर्फ इंद्रजीत से प्यार किया है और उसी से शादी की। मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही कभी मैंने किसी और को चाहा। हाँ, अकेली औरत होने के नाते मैंने ना चाहते हुए भी कुछ लोगों की मदद ली है, लेकिन कभी किसी से मदद मांगने नहीं गई। कुछ लोग मेरी परेशानी को देखकर आए मेरी मदद करने, लेकिन तुम्हें पता है मैंने हमेशा उन्हें अपना दोस्त और वेलविशर ही माना है, और यही समझ के उनसे उनकी मदद ली। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर अब चलो, सबका ध्यान बटाने के लिए आओ मेरे साथ विशाल के लिए कुछ अच्छा बोल दो, ताकि विशाल को तुम थैंक्स भी कह दो और सबका ध्यान भी उधर हो जाए। सचमुच मैं विशाल की बहुत आभारी हूँ। आओ। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम एंड जॉइन अस हियर। आज मैं तहे दिल से एक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और उस शख्स का नाम है विशाल त्रिवेदी। आज विशाल जी ने जिस तरह से कोर्ट में मेरा पक्ष रखा, आज से पहले कभी किसी ने वैसा नहीं किया, और जज साहब ने इस केस को ऐसा मोड़ दे दिया है कि जिसकी वजह से आज मैं चैन और सुकून की सांस ले पा रही हूं।
थैंक यू सो मच विशाल त्रिवेदी। वाह विशाल, तेरी तो तारीफों की पुल बांध दी है अमृता ने। थैंक यू। कमाल का है तू, घर बुलाता भी है और मेरे घर की खुशियां भी छीनता है। मैंने तेरे घर की खुशियां कब छीनी? कामनी को फोन करके तूने नहीं भड़काया? मैं? क्या भड़काया? कि मैं और अमृता मिलते हैं, मैं कोर्ट अटेंड करता हूँ उसकी डेट जब पड़ती है, मैं उसके बच्चों को घुमाता फिराता हूँ। मैंने उससे कभी फोन नहीं किया। यू नो वॉट, तू जेलस है मेरी और अमृता की दोस्ती से। तू चाहता है कि बस तू ही तू हीरो बना रहे उसकी आंखों में। अरे क्या बात कर रहा है तू यार? ऑफ कोर्स मैं हीरो बनना चाहता हूँ, मगर मैं तेरे को क्यों कट करूंगा? बहुत पीठ में छुरे भोंकने वाले देखे, मगर तुझ जैसा गिरा हुआ इंसान देख मैं एक पॉइंट तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद पागल हो गए तुम लोग। घर बुला के जलील करना याद रहेगा मुझे, और तेरा घर आके मेरा मुझे जलील करना यह याद रहेगा। बच्चे को लेके भाग गई। हेलो हेलो मम्मी जी, मैं अमृता बोल रही हूँ। मेरी सिमरन का है, मुझे पता है कि आप ही ने उसे किडनैप करवाया है। अमृता है अमृता, आज की नारी अमृता। मैम साहब, हेलो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ सुनीता, वो सिमरन बेबी अभी तक नहीं आई। क्या बात कर रही हो आप, पता करो क्या हुआ। तुम घर पर रहो, मैं अभी घर आती हूँ। आप जल्दी आओ। रोजी कुछ इमरजेंसी आ गई है, तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। मेरी बेटी सिमरन अभी तक नहीं आई है, मैं घर जाके आती हूँ। बहन जी, वो आपकी बेटी को तो दो औरतें उठा के ले गई। क्या? हाँ ले गई। विशाल, सिमरन को कोई दो औरतें उठाकर ले गई। क्या कह रही हो तुम? तुम हमारे घर चली आओ, मैं देखता हूँ। हेलो दिनेश, प्लीज तुम राहुल को स्कूल से पिक करके विशाल जी के यहाँ पहुंचो। मैं बाकी बातें तुम्हें वही बताती हूँ। हाँ, नो नो, आई एम वेरी श्योर इट्स अ किडनैपिंग। या उन्होंने मेरी सिमरन को किडनैप कर लिया, वो दो औरतें उसे उठा कर ले गई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो कोर्ट में मुझसे नहीं लड़ पाए तो वो कमबख्त अपनी असलियत पे उतर आए हैं। एक काम करोगी, ये अपने इन-लॉज को फोन करो।
हेलो हेलो मम्मी जी, मैं अमृता बोल रही हूँ। मेरी सिमरन कहाँ है? मुझे पता है कि आप ही ने उसे किडनैप करवाया है। मैं तुम्हारी सिमरन को क्यों किडनैप करवाऊंगी? तुम्हारी मुसीबत अपने सर पे ले लूंगी मैं। मुसीबत नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप ही ने सिमरन को किडनैप करवाया है। ये तुम्हारा कोई नया नाटक है क्या? देखिए, आप सीधी तरह बता दीजिए कि सिमरन कहाँ है, वरना मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। तो जाओ पुलिस में जाओ, यहाँ क्यों फोन कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। जो करना है कर लो, हम तुम्हारी ये धमकियों से डरते नहीं है। गेट लॉस्ट। काट दिया ना? तो हद ही हो गई है। We'll have to go to the police station. इस FIR जितनी जल्दी हम दर्ज करवाएं बेहतर है। रतंबरा, मैंने दिनेश को फोन करके कहा है कि वो राहुल को स्कूल से पिक करके तुम्हारे पास ले आएगा। तुम प्लीज राहुल का ध्यान रखना, वो उसे लाता ही होगा, उसे बाहर कहीं मत जाने दो। तुम राहुल की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम विशाल के साथ पुलिस स्टेशन जाओ, बाकी मैं राहुल को संभाल लूंगी। टेंस क्यों हो रणवीर? नहीं, कोई खास वजह नहीं। और ये मैं क्या सुन रही? माँ कह रही थी कि सिमरन किडनैप हुई है और उन्हें शक है कि उसकी किडनैपिंग तुमने करवाई। सच क्या है रणवीर? सच तो ये है कि पापा जी के आने से पहले मैं उनकी सारी टेंशन खत्म कर देना चाहता हूँ, ताकि जब भी पापा जी आए मैं उन्हें ये न्यूज दूं कि आप रिलैक्स करो और हम लोग पार्टी करें। पार्टी? इसका मतलब सिमरन की किडनैपिंग तुमने? मैं मजबूर था प्रीतिका, क्योंकि अमृता को कोई और भाषा समझ में नहीं आती, शायद यही भाषा समझ में आएगी। आई अंडरस्टैंड रणवीर दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन सोचो अगर कल को कोई तुम्हारा अपना तुमसे अलग कर दिया जाए तो। मुझे इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट मीन दैट, आई मीन Everything is fair in love and war, right? That's right. क्या? वो आपकी छोटी बच्ची? कब? आज जब वो स्कूल से लौट रही थी तब। आपको ये यकीन है कि उसे किडनैप किया गया है? मोहल्ले के एक शराबी ने देखा है, दो औरतें उसे उठाकर ले गई हैं। दो औरतें? ये दो औरतों के खिलाफ तो पहले भी एक FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया था। आप जानते हैं उन्हें, प्लीज कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। एक मिनट, आप बैठिए एक मिनट। सर, श्री तुम्हें याद है वो दो औरतों का किडनैपिंग वाला केस? सर वो तो जमानत पे छूट गई थी सबूत और गवाह ना होने की वजह से, पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू थी। बाद में पता चला कि वो किडनैपर है, पैसे लेती है और डिलीवरी देती है, और बाद में सर गायब हो जाती है। सर उनसे तो पैसा देके कोई भी किडनैपिंग करवा सकता है। फिर तो ये वही है, जरूर मेरे ससुराल वालों ने इन्हें पैसे देकर किडनैपिंग करवाई है। इसमें उन लोगों का क्या मकसद हो सकता है? यू सी एसीपी साहब, इनके और इनके ससुराल वालों के बीच एक केस चल रहा है कोर्ट में। वो चाहते हैं कि ये किसी ऐसे कागजात पर दस्तखत कर दें जिससे इनका या इनके बच्चों का उनकी मिल्कियत पर कोई हक न रहे। आप? मैं इनका वकील हूं। आप उन लोगों को जानते हैं? पहले क्या था कि एक छोटा मोटा वकील इनका केस लड़ रहा था, उसने ये केस छोड़ दिया। अब जब मैं जज साहब के सामने अपीयर हुआ तो इनके ससुराल वालों के छक्के छूट गए। मैं इनके लॉयर को भी जानता हूं, उनको जज ने जो है रिप्रिमांड किया और कहा कि देखिए आप इस तरह के गलत आरोप मत लगाइए अमृता पर। तो इस सारी बौखलाहट में उन्होंने इनकी बच्ची को किडनैप करवाया होगा ताकि ये किसी तरीके से मजबूर हो जाएं वो कागजात पे दस्तखत करने के। श्री,
यस सर। हमें दो एक्शन फौरन लेने, एक टीम को कहो कि वो दो औरतों के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई थी वो फाइल ढूंढ के निकाले, और तुम पर्सनली इनके ससुराल जाओ और वहां जो भी मेल शख्स मिलता है उसे यहां लेकर आओ, मुझे उससे पूछताछ करनी है। अमृता जी, श्रीकांत को अपने ससुराल का एड्रेस दे दीजिए। ये सब मेरे देवर की चाल है, उसी की प्लानिंग है ये। आप प्लीज उसे इतना झंझोड़ेगा कि वो बता दे मेरी सिमरन कहां पर। अमृता, इन्हें एड्रेस दो अपने ससुराल का। रणवीर अरोरा, आपने मेरे घर पुलिस भेजने की हिम्मत कैसे की? ए, ए, ए। अमृता है अमृता, आज की नारी अमृता। रणवीर अरोरा, आपने मेरे घर पुलिस भेजने की हिम्मत कैसे की? ए, ए, ए। एक पुलिस ऑफिसर से तुम इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकते। इस देश में लॉ एनफोर्समेंट करने वाले ऑफिसर्स को इतने पावर्स मिले हुए हैं कि वक्त पड़ने पर बड़े से बड़े आदमी को पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। सो डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। इंग्लिश, तुम्हें लगता है कि इंग्लिश बोलकर तुम अपने आप को बहुत सभ्य प्रूव कर लोगे? इफ दैट इज द केस देन आई विल स्पीक टू यू इन द क्वींस इंग्लिश, बट दैट डज नॉट मेक मी एनी मोर सिविलाइज्ड देन द अदर पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी हु कैन ओनली स्पीक इन हिज मदर टंग। डू यू अंडरस्टैंड? आज एक गर्ल चाइल्ड का क्या महत्व है इस देश में, आप समझते हैं ना? अगर हमें ये लगा कि इस किडनैपिंग के पीछे आप हैं, तो आप जिंदगी के कुछ साल सलाखों के पीछे गुजार सकते हैं। ACP साहब, एक पागल औरत ने कहा और आपने उसकी बात मान ली? पागल किसको कहा तूने? हाँ, पागल तो तुम सब लोगों, पैसे के लिए। अरे ऊपर लेके जाओगे कितने पैसे? याद रख रणवीर, हर एक माँ एक शेरनी होती है। जब उसके बच्चे पर आ जाती है ना, तो वो किसी का भी शिकार करके उसे घायल कर सकती है।